After confiscating two properties of the Sikh for Justice chief Jagbirpatwan Singh Pannun yesterday the NIA is now slated to take action against these fugitives as well beyond this the center is going to cancel the OCI cards of those who sympathizes with separatists this decision comes a few days after India suspended visa services in Canada due to operational reasons and a concern over terror attack बिग न्यूज स्टिल कवरिंग दिस इज ऑल राइट वी आर स्विचिंग नमस्कार मन की बात के एक और एपिसोड में मुझे आप सभी के साथ देश की सफलता को देशवासियों की सफलता को उनकी इंस्पायरिंग लाइफ जर्नी को आपसे साझा करने का अवसर मिला है इन दिनों सबसे ज्यादा पत्र संदेश जो मुझे मिले हैं वो दो विषयों पर बहुत अधिक है पहला विषय है चंद्रयान थ्री की सफल लैंडिंग और दूसरा विषय है दिल्ली में जी ट्वेंटी का सफल आयोजन देश के हर हिस्से से समाज के हर वर्ग से हर उम्र के लोगों के मुझे अनगिनत पत्र मिले हैं जब चंद्रयान थ्री का लैंडर चंद्रमा पर उतरने वाला था तब करोड़ों लोग अलग अलग माध्यमों के जरिए एक साथ इस घटना के पल पल के साक्षी बन रहे थे इसरो के यूट्यूब लाइव चैनल पर 80 लाख से ज्यादा लोगों ने इस घटना को देखा अपने आप में एक रिकॉर्ड है इससे पता चलता है कि चंद्रयान थ्री से करोड़ों भारतीयों का कितना गहरा लगाव है चंद्रयान की इस सफलता पर देश में इन दिनों एक बहुत ही शानदार क्वीज कंपटीशन भी चल रहा है प्रश्न स्पर्धा और उसे नाम दिया गया है चंद्रयान थ्री महाक्वीज माई गोव पोर्टल पर हो रहे इस कंपटीशन में अब तक 15 लाख से ज्यादा लोग हिस्सा ले चुके हैं माई गांव की शुरुआत के बाद यह किसी भी क्वीज में सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन है मैं तो आपसे भी कहूंगा कि अगर आपने अब तक इसमें हिस्सा नहीं लिया है तो देर मत करिए अभी इसमें छह दिन और बचे हैं इस क्वीज में जरूर हिस्सा लीजिए मेरे परिवारजनों चंद्रयान थ्री की सफलता के बाद जी ट्वेंटी के शानदार आयोजन ने हर भारतीय की खुशी को दोगुना कर दिया भारत मंडपम तो अपने आप में एक सेलिब्रिटी की तरह हो गया है लोग उसके साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं और गर्व से पोस्ट भी कर रहे हैं भारत ने इस समिट में अफ्रीकन यूनियन को जी ट्वेंटी में फुल मेंबर बनाकर अपने नेतृत्व का लोहा मनवाया है आपको ध्यान होगा जब भारत बहुत समृद्ध था उस जमाने में हमारे देश में और दुनिया में सिल्क रूट की बहुत चर्चा होती थी ये सिल्क रूट व्यापार कारोबार का बहुत बड़ा माध्यम था अब आधुनिक जमाने में भारत ने एक और इकोनॉमिक कॉरिडोर जी ट्वेंटी में सुझाया है यह है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यह कॉरिडोर आने वाले सैकड़ों वर्षों तक विश्व व्यापार का आधार बनने जा रहा है और इतिहास इस, इस बात को हमेशा याद रखेगा कि इस कॉरिडोर का सूत्रपात भारत की धरती पर हुआ था साथियों जी ट्वेंटी के दौरान जिस तरह भारत की युवा शक्ति इस आयोजन से जुड़ी उसकी आज विशेष चर्चा आवश्यक है साल भर तक देश के अनेकों यूनिवर्सिटीज में जी ट्वेंटी से जुड़े कार्यक्रम हुए अब इसी श्रृंखला में दिल्ली में एक और एक्साइटिंग प्रोग्राम होने जा रहा है जी ट्वेंटी यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम इस प्रोग्राम के माध्यम से देशभर के लाखों यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एक दूसरे से जुड़ेंगे इसमें आई आई टीज आई आई एम्स एन और मेडिकल कॉलेज जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थान भी भाग लेंगे मैं चाहूंगा कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो 26 सितंबर को होने वाले इस कार्यक्रम को जरूर देखिएगा इसे जरूर जुड़िएगा भारत के भविष्य में युवाओं के भविष्य पर इसमें बहुत सारी दिलचस्प बातें होने वाली है मैं खुद भी इस कार्यक्रम में शामिल होऊंगा। मुझे भी अपने कॉलेज स्टूडेंट से संवाद का इंतजार है मेरे परिवारजनों आज से दो दिन बाद 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस है पर्यटन को कुछ लोग सिर्फ सैर सपाटे के तौर पर देखते हैं लेकिन पर्यटन का एक बहुत बड़ा पहलू रोजगार से जुड़ा है कहते हैं सबसे कम इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा रोजगार अगर कोई सेक्टर पैदा करता है तो वो टूरिज्म सेक्टर ही है टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने में किसी भी देश के लिए गुडविल उसके प्रति आकर्षण बहुत मैटर करता है बीते कुछ वर्षों में भारत के प्रति आकर्षण बहुत बढ़ा है और जी ट्वेंटी के सफल आयोजन के बाद दुनिया के लोगों का इंटरेस्ट भारत में और बढ़ गया है साथियों जी ट्वेंटी में एक लाख से ज्यादा डेलीगेट्स भारत आए वो यहां की विविधता अलग अलग परंपराएं भांतिभा का खान पान और हमारी धरोहरों से परिचित हुए यहां आने वाले डेलीगेट्स अपने साथ जो शानदार अनुभव लेकर गए हैं उससे टूरिज्म का और विस्तार होगा आप लोगों को पता ही है कि भारत में एक से बढ़कर एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है कुछ ही दिन पहले शांति निकेतन और कर्नाटका के पवित्र होयसड़ा मंदिरों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया है मैं इस शानदार उपलब्धि के लिए समस्त देशवासियों को बधाई देता हूं मुझे 2018 में शांति निकेतन की यात्रा का सौभाग्य मिला था शांति निकेतन से गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का जुड़ाव रहा है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन का मोटो संस्कृत के एक प्राचीन श्लोक से लिया था वह श्लोक है यत्र विश्वम भवत्येक निडम अर्थात जहां एक छोटे से घोंसले में पूरा संसार समाहित हो सकता है कर्नाटका के जिन होड़ा मंदिरों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है उन्हें तेरहवीं शताब्दी के बेहतरीन आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है इन मंदिरों को यूनेस्को से मान्यता मिलना मंदिर निर्माण की भारतीय परंपरा का भी सम्मान है भारत में अब वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज की कुल संख्या बयालीस हो गई है भारत का प्रयास है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जगहों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मान्यता मिले मेरा आप सब से आग्रह है कि जब भी आप कहीं घूमने जाने की योजना बनाएं, तो ये प्रयास करें कि भारत की विविधता के दर्शन करें आप अलग अलग राज्यों की संस्कृति को समझें हेरिटेज साइट्स को देखें इससे आप अपने देश के गौरवशाली इतिहास से तो परिचित होंगे ही स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने का भी आप अहम माध्यम बनेंगे मेरे परिवारजनों भारतीय संस्कृति और भारतीय संगीत अब ग्लोबल हो चुका है दुनिया भर के लोगों का हिंसा लगाव दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है